गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो वेलकम बैक टू योर EBS क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 8 September 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 12। नेम ऑफ द चैप्टर एयर वाटर एंड वेदर। So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in previous video student, I discuss or I explain you water exists in three forms, that is solid, liquid and gas. Okay, this thing we have discussed in the previous video. After that I explained you what is evaporation, the change of water into vapor on heating. Okay, due to the light of the sunlight, due to the heat of the sun, the water from the water bodies change into a form of a vapor, and this happened due to on heating, and this process is known as evaporation. After that I explained you what is condensation. Okay, so the process in which the water vapor change into water, ठीक है, water जब vapor के form में होता है तो gaseous form में होता है, ठीक है, जब वाटर वेपर चेंज हो जाता है फिर से वाटर फॉर्म में, एंड ऐसा कब होता है? ऑन कूलिंग, एंड दिस इज नोन एज कंडेंसेशन, एंड दिस टू थिंग्स आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल्स व्हिच इज गिवन इन द बुक। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर आल्सो कॉज ड्यू हेल, स्नो एंड फॉग। ओके, सो ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, ड्यू फॉर्म होती है, हेल है, स्नो है, फॉग है, ये सारी की सारी चीज़ें किससे होती हैं? जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन है, ठीक है, क्योंकि इवापोरेशन और कंडेंसेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जिससे वाटर थ्री डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, वाटर इज एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, नाउ टुडे वीडियो स्टूडेंट वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, हेल्स एंड स्नो। अब देखो क्लाउड्स कैसे फॉर्म हुए थे, अभी खैर हम लोग वाटर साइकिल फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो क्लाउड्स, जो वाटर जब कूल एयर के टच में आता है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अगेन इट स्टार्ट चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर। जब कूल एयर के टच में आता है देन अगेन इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जो क्लाउड्स हैं, मिलियन ऑफ टाइनी लाइट वेट वाटर ड्रॉपलेट फ्लोटिंग टुगेदर, तो यही क्या आपके क्लाउड्स हैं, ये क्या बेटा, ये सब आपके क्लाउड्स हैं। सो इफ द एयर अराउंड द क्लाउड इज वेरी कूल, स्पेशली इस तरह की कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी, माउंटेन्स एरिया में मिलेगी, ठीक है, अगर जो क्योंकि वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं ना बेटा, जब वाटर वेपर जब कूल होता है तो ये स्मॉल स्मॉल पीसेज ऑफ जो ड्रॉप्स ऑफ ए वाटर है ये ही मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, एंड दे फ्लोट टुगेदर, ठीक है, तो इससे क्या आपका क्लाउड फॉर्म्स होता है। इन द सेम मैनर स्टूडेंट, जब इन क्लाउड्स के आसपास जो एयर होती है वो बहुत कूल होती है, इफ़ द एयर अराउंड दिस क्लाउड इज वेरी कूल, और यहाँ ये कंडीशन कहाँ पे पॉसिबल होगी बेटा, जहाँ पे माउंटेन्स होंगे, जहाँ पे माउंटेन्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ माउंटेन्स होते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है, तो ये जहाँ पे माउंटेन्स एरिया होते हैं, हिलीज एरिया होते हैं, जहाँ के क्लाइमेट क्या बहुत ही कोल्ड होता है, तो ये जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है ये क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नो कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्नो और हेल स्टोन्स, ठीक है। अब ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नो बोलेंगे या तो हेल स्टोन्स, ठीक है, आप कभी कभी देखते होंगे
जो माउंटेन्स एरिया हो सकते हैं, ठीक है, जहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। तो यही जब इन क्लाउड्स के अगल बगल की अगर एयर बहुत ज्यादा कूल होती है, और ये कंडीशन कहाँ पॉसिबल होती है, जहाँ का वेदर, जहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट जो फ्लोट कर रहे हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्रीज होते हैं, और इसी से क्या बनती है, स्नो बनती है या हेल स्टोन्स बोलते हो, एंड दे स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द क्लाउड्स। तो क्लाउड से जो स्नो है, ठीक है, क्लाउड से स्नो के फॉर्म में भी बर्फ आती है, ठीक है, स्नोफॉल भी होता है, आप देखते होगे, सुनते होगे, माउंटेन्स एरिया में बहुत हैवी स्नोफॉल होता है इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में माउंटेन्स एरिया में बहुत स्नोफॉल होता है, और कभी कभी हेल, ओला, ठीक है, तो स्टोन्स की तरह बर्फ के बड़े बड़े गोले भी कभी कभी आप लोग देखते होंगे, लैंड पे आते होंगे। इनका साइज बड़ा होता है, लेकिन इनका डिस्टेंस इतना ज्यादा अर्थ से है कि जब ये डिस्टेंस कवर करते करते नीचे आते आते इनका साइज क्या हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है। बहुत से आप देखते हो कि जब हेल पड़ते हैं, हेल मतलब जब स्नो के स्टोन्स पड़ते हैं, तो उसके संग आप बारिश भी देखते होंगे, ठीक है, आप बारिश भी देखते होंगे। तो क्योंकि ये इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं, तो बहुत से स्नो के टुकड़े क्या हो जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, तो वो रेन लगने लगते हैं, और जो पीसेस लेफ्ट हो जाते हैं वो एज ए हेल ऑन द लैंड आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ जो वाटर है, ठीक है, यही मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, ठीक है, आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, जो मिलके क्लाउड्स बनाते हैं, दे फ्लोट, ओके। अब इन क्लाउड्स के आसपास अगर बहुत ठंडी कोल्ड एयर होती है, और ऐसा स्पेशली कहाँ होता है, जहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड हो, मीन्स माउंटेन्स वाले एरिया में, तो दे चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्नो और हेल स्टोन। कभी कभी देखते हो गोले गिरते हैं, बर्फ के गोले आपने देखे होंगे, ठीक है, जिसको हेल बोलते हैं, ठीक है, गोले की तरह बर्फ नीचे लैंड पे आती है, और जब ये हेल आती है ना, तो उसके संग आप लोग बहुत रेन भी देखते होंगे। तो उसका रीजन ये है, जे बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं लैंड पे, तो ये गोले, बहुत से गोले रास्ते में आते आते क्या हो जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, तो वो तो रेन के फॉर्म में आते हैं, और जो बच जाते हैं वो एज ए हेल ऑन द लैंड पे आते हैं, ठीक है। तो दिस इज हेल एंड स्नो, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब देखो, हेल एंड स्नो डिस्कस कर दिया, और ये कहाँ पे होता है बेटा, माउंटेन्स एरिया, ठीक है, ये कंडीशन कहाँ पे होती है, माउंटेन, ये कंडीशन होती है जहां पे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स एरिया, ठीक है, ये कंडीशन वहीं अराइज होती है जहां माउंटेन्स होते हैं, और जहां का क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू, नेक्स्ट टॉपिक है स्नो और हेल बता दिया, और नेक्स्ट टॉपिक अब आपका क्या है, ड्यू है। देखो, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, ड्यू स्पेशली तुम्हें विंटर के डेज में बहुत ज्यादा, विंटर में आपको ड्यू देखने के लिए मिलती है। इफ इट टर्न्स, अगर रात में वेदर क्या होता है, बहुत कोल्ड वेदर होता है, तो आप देखते हो जितने भी सराउंडिंग्स में, कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप देखो, जब जब बहुत हॉट वेदर होता है, तो सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें होती हैं, अगर उसको आप टच करते हो, क्योंकि फील करने का काम हम अपने स्किन से करते हैं, अगर चीजों को हम टच करते हैं तो लगता है अरे जलने लगी है, हीट हो गई है, बिल्कुल गर्म हो गई। आप अपनी साइकिल रखो, ठीक है, अप्रैल मई के मंथ में आप स्कूल आते हो, अपनी साइकिल रखो, जब आप जाने लगते हो तो देखते हो कि उसकी सीट और साइकिल का रॉड ये सब बिल्कुल हीटेड हो जाते हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर जब विंटर होता है, और जहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा वेदर ठंडा होता है, ठीक है, तो जब वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो जब आपको पता है ना बेटा कि वाटर वेपर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, एयर में भी वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है। जब क्लाइमेट बहुत ज्यादा, जब वेदर बहुत कोल्ड होता है, तो जब ये वाटर वेपर ठंडी चीजों के टच में आते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, एंड दे चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा विंटर में मॉर्निंग में, अगर आप अपने घर की खिड़कियों को देखो, ग्लास को देखो, आप टच करोगे तो लगेगा किसी ने वाटर डाल के उनको वॉश किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं, किसी ने वाटर नहीं डाला है, क्योंकि सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती हैं वो बिल्कुल, जब वेदर बहुत कोल्ड होता है, तो सारी चीजें ठंडी हो जाती हैं, कोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो जब
जो और एज यू नो दैट द वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन द एयर, और वाटर का वेपर कब बना था, जब वो हीट हुए थे तब वो गैस फॉर्म में चेंज हुए थे, अब अगल बगल सारी चीज़ें ठंडी हो गई, तो ऐसे में जब वाटर वेपर टच करेगा, किसको टच करेगा, कोल्ड सरफेस को, तो वो कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होने के बाद कूल हो जाएगा, कूल होने के बाद वो वेपर फॉर्म से फिर वाटर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू बोलते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल भी मैंने कंडेंसेशन का आपको बताया था कि आप अपने रेफ्रिजरेटर से यू टेक आउट वन बॉटल फ्रॉम देयर रेफ्रिजरेटर एंड देन पुट दैट बॉटल ऑन द टेबल, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यू विल ऑब्जर्व दैट लॉट ऑफ वाटर अराउंड द बॉटल, तो बॉटल के अगल बगल इतना पानी कैसे आ गया था, बॉटल में कहीं लीकेज नहीं हो रहा था पर पूरा पानी से पानी पानी था बॉटल के अगल बगल, तो हाउ दिस हैपन, बॉटल क्या थी, बहुत ज़्यादा कूल थी और एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, जब वो एयर वाटर वेपर कूल सरफेस के टच में आए तो वो भी कूल हो गए तो वो गैस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो गए, वाटर फॉर्म में चेंज हो गए, इसलिए वाटर बॉटल के अगल बगल बहुत सा पानी हो गया। इन द सेम मैनर इन द केस ऑफ ए ड्यू ऑल्सो, जब द वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन द एयर, एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, अब जब वेदर बहुत कोल्ड हो जाता है तो जब ये वाटर वेपर कोल्ड सरफेस के टच में आएंगे तो ये कंडेंस हो जाएंगे और ये वाटर वेपर फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू बोलते हैं। इन द मॉर्निंग यू विल फाइंड द ग्राउंड है, लीव्स है, कार सरफेस एक्स्ट्रा कवर्ड विद अ ड्यू, मॉर्निंग के समय अगर आप वॉक पे जाते हो, ग्रास में अगर आप वॉक करते हो तो आपके पैर लगता है पूरे पानी से भीगे हुए हैं, आप लीव्स के पेड़ों के पत्तों को टच करोगे तो उसमें लगता है बहुत सा पानी है, देख के ऐसा लगता है किसी ने पानी डाला, लेकिन ऐसा नहीं होता, डैट इज द ड्यू, वो क्या होती है, ड्यू, क्योंकि कोल्ड वेदर की वजह से क्या हो जाता है, वाटर वेपर अगेन इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर, सो इट फॉर्म्स अ ड्यू, दैट इज द ड्यू। आई होप आपको ड्यू समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये कंडीशन होती है बेटा ड्यू की। नेक्स्ट टॉपिक है, चलो थोड़ा सा लिख भी देता हूं ड्यू के बारे में, देखो If it turns chill at night, रात बहुत ठंडी होगी तब क्या होगा बेटा, water vapor in the air, water vapor in the air condenses as it touches the cold surface, this is called dew, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसी को हम लोग ड्यू बोलेंगे, ठीक है। अब देखो फॉग पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फॉग। सो इन विच सीजन यू सी द फॉग, दैट इज द विंटर सीजन, ठीक है, विंटर सीजन में आप लोग क्या देखते होगे, फॉग देखते होगे, कोहरा पड़ता है, ऐसे में क्या होती है, विजिबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हो तो विजिबिलिटी लेस हो जाती है, दूर की चीज़ें हमें उतनी क्लियर दिखाई नहीं देती, और आप लोग हर साल देखते होगे ड्यू टू द फॉग मेनी टाइम्स द स्कूल टाइमिंग इज चेंज, स्कूल की टाइमिंग चेंज हो जाती है क्योंकि मॉर्निंग के समय इतना ज़्यादा फॉग होता है और इतने व्हीकल्स रोड पे होंगे, सो देयर इज अ चांस ऑफ ए एक्सीडेंट, टू अवॉइड ऑल दिस थिंग मेनी टाइम यू सी मे बी द टाइमिंग ऑफ द स्कूल इज चेंज और मैनी टाइम्स स्कूल इज ऑल्सो क्लोज ड्यू टू द फॉग, बिकॉज ड्यू टू फॉग मैनी एक्सीडेंट्स हैपन एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, फॉग में चीज़ें हमें विजिबल या क्लियरली नहीं होती हैं, ठीक है, चीज़ें बिल्कुल क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन वी सी इन द मंथ ऑफ ए स्पेशली नॉट इन मंथ इन स्पेशली इन अ विंटर सीजन, विंटर सीजन में होता है। अब देखो बेटा बात को समझो, फॉग होता क्या है, ठीक है,
अब देखो, जैसे आपने क्लाउड्स के बारे में पढ़ा होगा, क्लाउड्स कैसे फॉर्म हुए थे, शॉर्टकट रिकैप्चुलेशन लेंगे, यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगला टॉपिक वाटर साइकिल है ही, वहाँ पे हमने डिस्कस करना है हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म। एक शॉर्टकट में लेते हैं, देखो जब क्या होता है ना, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब सन की हीट से द वाटर चेंज इन टू वाटर वेपर और इसका वेट बहुत लाइट होता है, तो जो वार्म एयर होती है इट राइजेज अप, वो बहुत हाइट में चली जाती है, और जब वो कूल एयर के टच में आती है तो वो कंडेंस होती है और जो वाटर वेपर था वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स के रूप में चेंज होने लगता है, और यही स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, यही मिलके क्या फॉर्म करते हैं बेटा, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। आई होप यहाँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो जब वेदर कोल्ड होता है, ठीक है, वेदर कोल्ड होता है जैसे भी ड्यू के केस में बताया था, ठीक है, जब वेदर कोल्ड होता है तो सारी चीज़ें जो भी सराउंडिंग्स में होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी, और आपको पता ही है कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब ये लैंड के टच में आएगी वार्म एयर, तो यहाँ पे इसका कंडेंसेशन हो जाएगा और ये लैंड के ही आसपास से जो वाटर के ड्रॉपलेट्स बनेंगे वो हवा में क्या करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे, जैसे क्लाउड्स फॉर्म होते थे ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाइट पे फॉर्म होते थे। यहाँ पे लैंड के सरफेस के नियर ही ये ड्रॉपलेट्स जो बनेंगे वाटर के, कैसे बनेंगे, जब वो कोल्ड सरफेस के टच में आएंगे तो ये एयर में फ्लोट करने लगेंगे, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, एक बार और बताता हूँ, सुन लो। ठीक है, जैसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं लेकिन वहाँ वार्म एयर बहुत ज़्यादा हाइट पे चली जाती है, तब कहीं जाके कूल एयर के टच में आती है तो ऊपर क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, स्काई जैसे बनी आपके क्लाउड्स बने। अब यही कंडीशन, सेम यही कंडीशन अगर लैंड के पास होती है तो उसको फॉग कहते हैं। जब लैंड बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो जो वार्म एयर होती है, देखो इसमें लिखा है व्हेन वार्म एंड मोजिस एयर कूल्स रैपिडली, जब वार्म एयर एकाएक रैपिडली बहुत तेजी से जब कूल होती है तो कूल होगी तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होगी, तो यही स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में फ्लोट करते रहते हैं, तो इससे बनता है आपका फॉग। जैसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं वही मेथड है फॉग के फॉर्म होने का भी, इस तरह से फॉग फॉर्म होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो इसमें भी यही दिया है, व्हेन वार्म एंड मोजिस एयर कूल रैपिडली टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म एंड दे स्टे इन द एयर, और वो कहाँ रहते हैं, इन द एयर में स्टे रहते हैं, और दिस इज अ फॉग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फॉग। और मोस्टली आपको फॉग कहाँ देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा फॉग कहाँ होता है, वैलीज में, दो पहाड़ों के बीच कोई प्लेन लैंड है, और लो लाइंग एरियाज, प्लेन एरियाज में आपको फॉग होकर देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है, और स्पेशली यू सी फॉग इन विच सीजन, दैट इज द विंटर सीजन। देखो बेटा ये अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, जैसे मैंने अपने ड्यू के लिए भी बताया था, ड्यू में भी अगर सरफेस बड़ा कोल्ड होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या वाटर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, इसलिए वो चीज़ों पे आ जाते हैं। यहाँ भी लैंड के ऊपर क्लाउड जैसे फॉर्म होते हैं वही कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे नहीं आ रहे हैं, वो एयर में ही फ्लोट कर रहे हैं, इसलिए फॉग जैसी कंडीशन बनी। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रॉस्ट, नेक्स्ट इज द फ्रॉस्ट। अब देखो फ्रॉस्ट क्या कंडीशन है, आप सुन लो, मैंने बताया था ड्यू कैसे फॉर्म होती है, ड्यू से ही रिलेटेड है। ठीक है, उसी से थोड़ा फर्दर वो डिस्कस कर देंगे, फ्रॉस्ट बिल्कुल समझ में, तो हमें पाला पड़ना, फ्रॉस्ट को पाला बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो स्नो जो वाटर है वो स्नो फॉर्म में भी नीचे आता है, हेल स्टोन के रूप में भी नीचे आता है, रेन के फॉर्म में भी नीचे आता है। ठीक है, वाटर मैनी वेज दे आर कमिंग फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड लैंड पे। अब देखो फ्रॉस्ट क्या है, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया होता है, जब क्लाइमेट वेदर बहुत ठंडा होता है, सारी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कूल हो जाती हैं। ठीक है, तो जब वार्म एयर उसके टच में आती है तो कंडेंसेशन होता है और वाटर वेपर जो है, जो वाटर वेपर है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसी को ड्यू बोलते हैं। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा ठंड होगी तो ये जो वाटर के ड्रॉप्स जो ड्यू बने ना, ये क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेदर और भी ज़्यादा ठंडा है कि जो ड्यू बनी
वो ड्यू के जो ड्रॉप्स बने वाटर के वो क्या किए, फ्रीज कर गए। तो इसी कंडीशन को, दिस कंडीशन इज नोन एज फ्रॉस्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।